आज हम लोग फ्रिज के सभी इलेक्ट्रिक भागों के बारे में समझेंगे कि जो फ्रिज होती है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट लगे होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं। देखिए ये जो रिले वगैरह उसके अंदर लगा होता है ना, इसके अंदर सिरेमिक डिस्क कैसे काम करती है, जो इसकी ओएलपी होती है उसके अंदर कौन सी पत्ती लगी होती है, कट कैसे करती है, बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल दिखाएंगे। देखिए प्रैक्टिकल करने के लिए हम आपको कई चीजों से चेक करना सिखाएंगे। पहली तरीका ये होगा कि हम सीरीज से भी चेक कर सकते हैं, दूसरा तरीका हमारा ये होगा कि कंटिन्यूटी टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं, तीसरा तरीका ये होगा कि अगर हमारे पास मल्टीमीटर है तो हम मल्टीमीटर से भी कैसे चेक कर सकते हैं। ये तीनों तरीका को हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला भाग हमारा क्या है, कंप्रेसर मोटर। ये इलेक्ट्रिक भागों जो होते हैं ना, ये टोटल 6 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग हमारा क्या है, कंप्रेसर मोटर। अब ये जो कंप्रेसर मोटर होता है ना, ये एक प्रकार का मोटर है और इसका कार्य होता है यह गैस को एक साइड से खींचता है दूसरी साइड से फेंकता है, इसलिए यह कंप्रेसर मैकेनिकल सिस्टम भी होता है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इसमें सप्लाई देने के लिए तीन पिनें बनी होती हैं, जिसमें एक पिन का नाम होता है कॉमन, दूसरी पिन का नाम होता है रनिंग और तीसरी पिन का नाम होता है स्टार्टिंग। कौन कॉमन, कौन रनिंग, कौन स्टार्टिंग है यह जानना भी जरूरी है। तो देखिए यह एक मोटर होता है, अगर हम इसमें सप्लाई देंगे तो ये चलेगा, चलेगा तो गैस को सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से बाहर करता है और चार्जिंग लाइन गैस या ऑयल चार्ज करते समय प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये अगर कंप्रेसर मोटर मान लीजिए है और हमें इसको चालू करना है, सबसे पहले बिल्कुल डायरेक्ट अगर इस कंप्रेसर को डायरेक्ट चालू करना और चेक करना है यह मोटर सही है कि नहीं सही है, तो सबसे पहले हमें इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना ये जो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है ना, इसको लेंगे। ये डिजिटल मल्टीमीटर आपके पास किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये जरूर नहीं कि इस तरह का हो, उसमें कंटिन्यूटी वाला ये ऑप्शन होना चाहिए, जहां पर ऑन करने के बाद अगर हम इसके पॉइंटों को दोनों तारों को आपस में टच करवाते हैं तो इससे वीप की आवाज आती है, ये कंटिन्यूटी पॉइंट होता है। यानी मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर ऑन करके और मल्टीमीटर के दोनों तारों से कंप्रेसर के तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। देखिए ऐसा दिखाइए, डिस्प्ले भी दिखता रहे ना। अब देखिए करना क्या होगा, सबसे पहले ये जो दोनों पॉइंट है ना, किसी को किसी पर रखिए, ये तीनों पॉइंट में सब जगह कंटिन्यूटी आनी चाहिए और सब जगह कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अच्छा, कंटिन्यूटी के साथ जो डिस्प्ले के अंदर कुछ नंबर शो करेगा वो नंबर भी मायने रखता है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने मान लिया ये जो तीनों पिने हैं, सबसे ऊपर वाले को ए और बी और सी मान लिया, ए है ये, बी है ये, सी है। जब हमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग नहीं पता है तो ऐसा ही कुछ मान लेते हैं, फिर क्या करेंगे किसी दो पिनों पर रख के चेक करेंगे, जैसे ए और बी, यानी ऊपर वाले और बाएं साइड में हमने दो पिनों पर रख करके चेक कर रहे हैं। यहां पर देखिए डिस्प्ले के अंदर कुछ नंबर दिखाई दे रहा है, देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 25.6 यानी 25.64 आ गया ना, मतलब 25 दिखाई दे रहा है डिस्प्ले में, यानी हम ऊपर और बाएं पे रख रहे हैं। अच्छा, ऊपर से अगर दाहिने पे रख रहे हैं तब देखिए कितना दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कितना, 13, और दोनों के नीचे वाले पॉइंट पे रख करके देखते हैं कितना दिखाया, तो देखिए कितना दिखाया ये डिस्प्ले में, 36-37 के करीब दिखा रहा है ना, ये 36-37 दिखा रहा है, मतलब समझ गए कि जो तीनों पिनों पे हमने चेक किया इसके अंदर कुछ नंबर दिखाई दिया, तो नंबर सबसे ज्यादा कौन सा है, तो इसका नियम ये होता है कि जिन दो पिनों का मान सबसे अधिक होगा उन दोनों पिनों को छोड़कर बची हुई तीसरी पिन कॉमन की होगी। मतलब देखिए यहां पर हमने एक पॉइंट पे रख लिया है ना, अब एक पे अगर रख लिया तो जो बचा हुआ ये ऊपर वाला पॉइंट है, तो जो ऊपर वाला ये वाला पॉइंट बचा है वो हो जाता है कॉमन का। यानी इसी तरह से हम किसी भी मोटर की बाइंडिंग में चेक करते हैं ना, यानी जिन दो पिनों का मान सबसे अधिक होगा उन दोनों पिनों को छोड़कर बची हुई तीसरी पिन कॉमन की होगी, मतलब ये ऊपर वाला कॉमन का होगा। तो एक पॉइंट हमें पता चल गया कॉमन का है, अब हमें क्या करना है, मल्टीमीटर के एक तार को कॉमन पे रख लेना है और दूसरे तार से बचे हुए दोनों को बारी बारी से चेक करना है। यहां पर देखेंगे 12 बता रहा है और इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे क्या बता रहा है, देखिए इधर क्या बता रहा है, इधर बता रहा है 25। तो जिस पिन का मान कम होता है वो रनिंग होता है और जिसका मान अधिक होता है वो स्टार्टिंग होता है, क्योंकि किसी भी मोटर में जब हम बाइंडिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में टर्न की संख्या अधिक करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, राइट साइड में ये कम बता रहा है मतलब ये रनिंग हो गया और बाएं साइड में ज्यादा बता रहा है मतलब स्टार्टिंग हो गया, मतलब ये ऊपर कॉमन है, दाहिने रनिंग है और बाएं साइड में स्टार्टिंग है। अगर कहीं पर
ये कंटिन्यूटी बिल्कुल जीरो बताता, यानी डायरेक्ट अगर वीप की आवाज आती तो इसका मतलब ये होता ये मोटर कहीं से शॉर्ट है, और अगर कहीं पर कंटिन्यूटी नहीं बताता तो इसका ये मतलब होता ये मोटर की बाइंडिंग जल चुकी है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो यहां से हम मोटर को अलग अलग तरीकों से चेक कर सकते हैं। अब अगर इस कंप्रेसर मोटर को हमें चलाना है तो हम कैसे चलाएंगे, चलाने के लिए देखिए सबसे पहले इसकी जो पिने हैं उसमें हमें क्या करना होगा, इस तरह से एक लीड लीजिए मेन, बिना रिले वेल पे हम इसको डायरेक्ट चलाने वाले हैं। तो देखिए इसको लगाना कहां है, ये जो हमारा थिंबल हमने यहां पर लगा लिया इसको हम बोलते हैं थिंबल, इसको लगाना कहां है, कंप्रेसर के ऊपर वाले पॉइंट पे लगाना है, मतलब कॉमन पे लगाना है, और एक थे लगाना है रनिंग में, मतलब ये दाहिने साइड में लगाना है। देखिए हम इसको डायरेक्ट चालू करने का तरीका बता रहे हैं, मतलब एक तार को कॉमन पर और दूसरे तार को दाहिने साइड में रनिंग पर लगाना है और लगा करके इसमें सप्लाई देना है। तो ये स्टार्टिंग वाला क्या होगा, स्टार्टिंग वाला भी होगा यार, इसको क्या करना है, इसको करना है साठ मारना है। तो साठ देखिए, चलिए हम इस प्लायर के जरिए साठ मारेंगे, मतलब रनिंग को स्टार्टिंग में मारना इस तरह से साठ, और जैसे ही साठ मारेंगे तुरंत कंप्रेसर मोटर स्टार्ट होगा, बिना साठ के मोटर स्टार्ट नहीं होगा। यहां पर हम बोर्ड के अंदर के स्विच को ऑफ कर ले रहे हैं, पावर को लगा दे रहे हैं, स्विच अभी बंद है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तुरंत यहां पर साठ भी मारेंगे, दोनों काम एक साथ करेंगे। देखिएगा यहां पे हमने पहले से चलिए साठ कर लेते हैं और यहां पर हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे कंप्रेसर मोटर चालू होना चाहिए, ये हमारा नियम है। अगर ये चालू नहीं होता है तो क्या होगा, कंप्रेसर को खराब माना जाएगा। देखिए यहां पर जैसे ही हमने साठ मारा कंप्रेसर मोटर यहां पर स्टार्ट हो गया, जैसे ही हमने साठ मारा कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो गया, यहां से देखिए ये हवा को यहां से फेंक रहा है, यहां से हम हवा को आपको दिखा नहीं सकते, देखिए यहां से हवा को फेंक रहा है, तो यहां से हवा को फेंक रहा है, मतलब हवा को खींचना और फेंकना ये चालू कर दिया। अब ये कंप्रेसर मोटर चलता रहेगा जब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे, मतलब अगर किसी कंप्रेसर मोटर को कोई बोल देता कि ये खराब है, आप कंफर्म करना चाहते कि नहीं खराब नहीं है या खराब है कि नहीं है, तो फिर आपको कंप्रेसर मोटर को इसी तरह से चालू करना होगा। कैसे, कॉमन के मतलब न्यूट्रल के एक तार को या जो मेन लीड है एक तार को कॉमन वाले पे खोसना है, दूसरे तार को दाहिने रनिंग वाले पे खोसना है, और रनिंग से स्टार्टिंग में कोई एक तार के पिलास या पेचकस या किसी तरीके से रनिंग को स्टार्टिंग में साठ मार के फिर हटा लेना है, और कंप्रेसर मोटर चलता रहेगा। अगर ये चल रहा है तो इसका ये मतलब है कि कंप्रेसर मोटर सही है। जैसे अगर कोई फ्रिज आपको दिया बनाने के लिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर नहीं चल रही है तो सब कुछ चेक कर लिया आपने, नहीं चल रही कंप्रेसर को भी चेक कर लीजिए, हो सकता है अगर कंप्रेसर डायरेक्ट चलाने पे चल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि खराबी किसी और भाग में कंप्रेसर में नहीं है। ठीक है, यहां पर हम स्विच को बंद करते हैं और कंप्रेसर मोटर को ऑफ कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा मोटर। अच्छा, अब हम कंप्रेसर के यहां पे रिले पिन को भी निकाल देते हैं। अब दूसरा भाग, ये जो काम अभी हमने किया, रनिंग से स्टार्टिंग में हमने साठ मारा तब तो ये मोटर स्टार्ट हुआ, तो क्या किसी के घर फ्रिज होती है तो बार बार वो रनिंग से स्टार्टिंग में साठ मारता है तब स्टार्ट करता है, ऐसा नहीं है ना। तो वही रनिंग से स्टार्टिंग में साठ मारने के लिए उसके अंदर लगाया जाता है रिले, इसका नाम होता है रिले। देखिए जो रिले होते हैं ना वो कई टाइप के होते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहां पर देखेंगे एक बॉक्स टाइप का रिले हमारे पास है, इस रिले को हम बोलते हैं पीटीसी रिले, इसके अंदर तीन पिन भी हो सकती है, चार पिन भी हो सकती है, एक पिन भी हो सकती है, दो पिन भी हो सकती है, यानी दो, यहां से नजदीक से ये पिनों को दिखाना है एकदम नजदीक से, ये देखिए इसके अंदर कितने पिन है, एक दो पिन वाला ये रिले हो गया हमारा। अच्छा, ये दूसरा रिले एक दो तीन पिन वाला हो गया, ये वाला रिले देखिए इसके अंदर एक ही पिन है, ये पिन के जैसा बना है, पिन नहीं है, और ये रिले चार पिन का है, मतलब ये एक पिन दो पिन तीन पिन, सॉरी एक पिन वाला तो इधर है ना, देखिए एक पिन दो पिन तीन पिन और चार पिन, ये इस तरह के पिनों वाले रिले होते हैं, इसको हम बोलते हैं पीटीसी रिले, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये रिले होते हैं। इसके अलावा ये रिले हमारा बॉक्स टाइप रिले है, और एक रिले और है हमारा, इसको हम बोलते हैं ओपन टाइप रिले। देखिए अब के टाइम में सबसे ज्यादा जो रिले प्रयोग किया जाता है वो ये वाला रिले है, जिसको हम पीटीसी रिले के नाम से जानते हैं। जो ओपन टाइप रिले होता है ये अभी कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन ये जो बॉक्स टाइप है ना ये बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता, मतलब बहुत कम, बहुत 2000 से भी पहले की जो फ्रिज है उसके अंदर इस बॉक्स टाइप का रिले लगता था। अब देखिए अगर इस प्रकार का कोई रिले है तो देखिए एक बार इसको समझिए, ये जो रिले होते हैं ये क्या करते हैं, ये रनिंग से स्टार्टिंग में साठ मारने का ही काम करते हैं। होता क्या है, इसके अंदर यहां पर देखेंगे एक दो, ये दो सुराख दिख रहे हैं ना, मतलब इसके अंदर दो छिद्र बने हुए हैं, और ये जो दोनों छिद्र होते हैं ये रनिंग और स्टार्टिंग में कंप्रेसर में जब हम इसको लगाएंगे ना तो ये इस प्रकार से लग जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। देखिए कॉमन को खाली छोड़ा हुआ है, रनिंग और स्टार्टिंग को एडजस्ट कर लेते हैं, तो फिर ये साठ कैसे मारते हैं वो आपको दिखाते हैं। देखिए अगर हम आसानी से दिखाएं तो इस कंटिन्यूटी टेस्टर से दिखा सकते हैं,
इसको जानते हैं, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर। इसका काम क्या होता है, अगर दोनों पॉइंट को आपस में टच कराएंगे तो इसके अंदर बल्ब जलता है, यानी जिससे ये पता चलता है कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है। जैसे ये हमारी लीड है ना, अगर इसको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं सही है, एक सिरा यहां रखिए और दूसरा इसका जो होगा उस पर रखेंगे तो देखेंगे ये बल्ब हमारा जल रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंटिन्यूटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है। तो ये अगर हमें रिले को चेक करना है इसके जरिए तो क्या करेंगे, ये इसका पोल पॉइंट, हम इसको बोलते हैं पोल पॉइंट, का मतलब ये होता है जिसमें हम सप्लाई देते हैं। तो एक ये रिले के मतलब कंटिन्यूटी टेस्टर का एक पॉइंट हमने पोल पॉइंट पे रखा और दूसरे से इसका जो दोनों छिद्र है उसमें दोनों में बारी बारी से डालेंगे। देखिए यहां पर पहले हम इसको इधर से पकड़ लेते हैं ना, तो आपको ये बल्ब वाला दिखाई देगा। देखिए एक में डालते हैं, देखिए बल्ब जल रहा है, दूसरे में भी देखिए दूसरे में बल्ब नहीं जल रहा है। और ये जल किस में रहा है, देख रहे हैं इधर दाहिने साइड में, यानी यही जब इस कंप्रेसर में लगेगा तो दाहिने साइड वाला जो पॉइंट है इसमें डायरेक्ट सप्लाई आ रही है। और देखिए बाएं साइड में नहीं आ रही है ना, लेकिन बाएं साइड में कब आएगी, जैसे ही इसमें सप्लाई जाती है इसमें प्लंजर नाम की पत्ती लगी होती है जो रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारती है और कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो जाता है। अब अगर इस रिले को चेक करना कि यह सही है कि नहीं, ये शॉट मार रहा है कि नहीं मार रहा है, तो बाएं साइड में आ रही है, दाहिने में नहीं आ रही है ना, और अगर दाहिने में भी लेना तो क्या करेंगे, इस रिले को पलट देंगे। पलटने का मतलब इसके अंदर देखिए, अब देखिए क्या हो रहा है पलटने के बाद, ये पिन देखिए, अब देखिए पलटने के बाद जब रिले को हमने नीचे का सिरा ऊपर और ऊपर का नीचे कर दिया तो देखिए ये कंटिन्यूटी दोनों में आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ, ये रनिंग से स्टार्टिंग में टच हो गया, मतलब सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बिल्कुल आसानी से जा रही है। तो इसी प्रकार से रिले लगाते हैं और रिले का काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारना। तो इस तरह की अगर बाइंडिंग ऊपर से दिखाई देती हो तो आप समझिए कि यह ओपन टाइप रिले है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग खुली हुई है। अब देखिए ये बॉक्स टाइप रिले है, दूसरा रिले। बॉक्स टाइप रिले क्या होता है, इसके अंदर एक दो तीन पिने पूरा पूरा होती हैं और ये कंप्रेसर का जो कामर रनिंग स्टार्टिंग होता है उसमें डायरेक्टली लग जाता है। मतलब डायरेक्ट लगाने के बाद पीछे की साइड में इसमें देखेंगे तो दो पॉइंट तार जोड़ने के लिए बने होते हैं, जिसमें एक में लिखा होता है L1 और एक पे लिखा होता है L2। L1 और L2, L1 पे दिया जाता है सप्लाई फेस की और L2 पे दिया जाता है न्यूट्रल की। बाकी न्यूट्रल की जगह फेस हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए अगर इसको चेक करना है ये सही है कि नहीं सही है, तो एक तार को यहां हम L1 पे रख ले रहे हैं, कंटिन्यूटी टेस्टर हो या मल्टीमीटर, और दूसरे तार से हम इन तीनों छिद्रों में बारी बारी से चेक करेंगे तो देखेंगे L1 पे रखे हुए देखेंगे किसी एक पर कंटिन्यूटी आएगी। देखिए यहां आ रही है ना, देखिए ऊपर भी नहीं आ रही है, इधर दाहिने भी नहीं आ रही है, किसी एक पर आएगी तो जिस पे आएगी यह रिले का रनिंग पॉइंट होता है। देखिए जब हम इसको पलटेंगे तो ये हमारा दाहिने पड़ जाएगा ना, तो ये दाहिने साइड में चला जाएगा ना, तो ये रिले का देखिए हमारा क्या हो गया, ये रिले का रनिंग पॉइंट हो गया। इससे ये पता चला रिले 30-35% सही है। अब हम क्या करते हैं, इसको रिले का ये L2 वाले पे रख लेते हैं, जो पीछे का पिन बना हुआ है L2 पे रखते हैं और दूसरे से तीनों को चेक करते हैं। तो देखिए रनिंग वाला ये था ना, उसमें नहीं बता रहा है, स्टार्टिंग वाला ये होगा इसमें भी अभी नहीं बता रहा, ये देखिए ऊपर कॉमन वाले में बता रहा है। इसका ये मतलब है कि L1 का संपर्क रनिंग से होता है और L2 का संपर्क कॉमन से होता है। जब L1 का संपर्क रनिंग से है तो ये भी तो पता है ना, देखिए ये एक साइड में बता रहा है, दूसरी साइड में नहीं बता रहा है। अगर दूसरी साइड में जानना है तो क्या करना होगा, रिले को पलटना होगा। देखिए ये इसके अंदर भी पत्ती होती है ना, दिखाते हैं आपको थोड़ा अच्छे से टच करवा के, इसके अंदर भी देखिए पत्ती होती है। देखिए पलटने के बाद नहीं बता रहा है, अगर पलटने के बाद नहीं बताए, देखिए बता रहा है, अगर पलटने के बाद नहीं बताए तो इसका यह मतलब है कि ये कंटिन्यूटी नहीं दे रहा, ये शॉट नहीं मारेगा, और अगर ये शॉट नहीं मारेगा तो कंप्रेसर मोटर स्टार्ट भी नहीं होगा। देखिए इसको शॉट मारना जरूरी है। तो इस तरह से होता है ये बॉक्स टाइप रिले। अब हम रिले की बात करें, देखिए कुल मिला के बात इतना ही है कि रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारना है। और ये रिले OLP ना सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, सबसे जरूरी चीज होती है। हर बार जब भी देखते हैं मिस्त्री आता है ना तो क्या करता है, रिले और OLP बदलता है। OLP अभी बताते हैं क्या होता है, अभी हम लोग समझ रहे हैं रिले। रिले को आपने समझा, एक रिले हमारा ओपन टाइप हो गया, एक रिले बॉक्स टाइप हो गया। अब हमारा तीसरा रिले और सबसे महत्वपूर्ण रिले होता है, ये रिले हमारा है PTC रिले, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आज के टाइम में यही रिले सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। वह रिले एक पिन का, दो पिन का, तीन पिन का या चार पिन का हो सकता है। अब अगर इस रिले को चेक करना है कि ये सही है कि नहीं सही है तो आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाला जो रिले होता है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दिखाते हैं आपको किसी एक को। जैसे मान लीजिए ये तीन पिन का रिले है,
अगर ये चार पिन का ही ले लेते हैं, चार पिन का रिले है, चार को समझ जाएंगे तो तीन को भी समझ जाएंगे। देखिए अगर इस रिले को हम कंटिन्यूटी चेक करें तो इसको कहीं से कहीं चेक करेंगे, हर जगह कंटिन्यूटी आनी चाहिए। देखिए यहां पे आ रही है ना, देखिए इधर भी आ रही है ना। अब अगर इसको हम पलट के देखिए, इधर टच करवाए तो देखिए यहां भी आ रही है और इधर वाले टच करवाए तो यहां भी आ रही है। मतलब इन चारों में कहीं से कहीं चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि लगभग ये सही है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है, और भी इसको चेक करना पड़ेगा। अगर ये डायरेक्ट इसमें 60 है, डायरेक्ट हमेशा के लिए जलता रहेगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही ना हुआ कि ये हमेशा 60 किया रहेगा क्या? 60 करने के बाद इसकी पत्ती हटेगी कि नहीं क्या? इसको पलटने से मतलब नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्ट पूरा ठोस होता है, भरतू होता है, इसको चेक करना होगा। तो क्या करना होगा, देखिए हमें क्या करना है, एक लेना इस तरह से लीड, मेन लीड, जैसे हमने कंप्रेसर को चालू किया। और ये एक बात क्लियर कर दे आपको, इसका जो पॉइंट होता है ना, एक साइड की दोनों पिने एक ही होती है और दूसरी साइड की दोनों पिने एक ही होती है। एक तरफ की दोनों पिन एक है, दूसरी तरफ की दोनों पिन एक है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट कंटिन्यूटी आ रहा है ना, ये एक नहीं है, इसके अंदर एक सेल लगा होता है जिसको हम बोलते हैं सिरेमिक डिस्क। आपको दिखाते हैं किसी रिले के अंदर से खोल करके, जैसे देखिए ये रिले है ना, इसको हम खोल के दिखाते हैं। देखिए ये रिले इस प्रकार से है, ये इसके दो छिद्र जो है ना, अभी दिखाते हैं, ये जो दोनों छिद्र हैं, दो रिले यहां पे खुल गए। अच्छा, ये इसका जो दो छिद्र है, इस पे देखिए कंटिन्यूटी आ रही है ना, और कंटिन्यूटी क्यों आ रही है, क्योंकि इसके बीच में एक सेल जैसा ये लगा हुआ है। देखिए क्या लगा है, निकाल के दिखाते हैं आपको। इसको हम बोलते हैं सिरेमिक डिस्क, यानी एक सेल के जैसा होता है ये, एक बैटरी होती है। और ये क्या करता है, ये काम ये करता है कि नॉर्मल अवस्था में तो ये कंटिन्यूटी को आउट करता है। देखिए ये वाली बैटरी बीच में लगी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए बीच में इस तरह की एक बैटरी लगी है। इस बैटरी का नाम होता है सिरेमिक डिस्क, यानी अगर इस डिस्क को कंटिन्यूटी चेक किया जाए तो ये कंटिन्यूटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आउट करता है। लेकिन इसका डिफरेंट क्या है कि जब ये गर्म होता है ना, जब ये हीट करता है तो सप्लाई को आउट नहीं करता। देखिए हम इसी रिले में इसको लगा देते हैं, और ये सीरीज का दो तार है, एक को हम लगा देते हैं दाहिने साइड में और एक को लगा देते हैं हम बाएं साइड में। देखिए एक ठे को दाहिने में लगा दिया, एक ठे को बाएं लगा दिया, दोनों में लगा दिया। अब अगर ये कंटिन्यूटी देगा तभी तो हमारे सीरीज का बल्ब जलेगा। देखिए यहां पर ये बोर्ड के अंदर हम इसको सप्लाई दे रहे हैं और स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है। लेकिन होना क्या चाहिए रियल में, ये बल्ब बहुत देर तक नहीं जलना चाहिए, सिर्फ मान लीजिए आपकी तब तक जलेगा जब तक कंप्रेसर मोटर में लगा रहेगा। जब तक बल्ब जल रहा है मतलब समझिए रनिंग और स्टार्टिंग को 60 कर रहा है, बल्ब जलना बंद मतलब कंप्रेसर सही तरीके से चालू। देखिए हमने स्विच को ऑन किया, देखिए यहां पर इसके अंदर से तो धुआं निकल रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। चलिए फिर से निकाल के इसको लगाते हैं। देखिए इस तरह का हमने इसको खोला था कई बार, इसलिए हो रहा है। अच्छा, इसको हम निकालते हैं और देखते हैं क्या ये सिरेमिक डिस्क में क्या प्रॉब्लम हो गई, कहीं सही तरीके से टच नहीं है और इतना हिट तो हुआ नहीं। दूसरा वाला देख लेते हैं, ये देखिए उसी तरह का ये भी खुला हुआ है, वैसा ही सिरेमिक डिस्क, बीच में बैटरी है, एक पॉइंट में लगाते हैं और ये सीरीज का दूसरा तार दूसरे पॉइंट में लगाते हैं और यहां पर हम लगा के इसको सप्लाई फिर से देते हैं। देखिए जैसे हमने सप्लाई दिया, स्विच को ऑन किया, यहां पर देखिए स्विच को ऑन किया, सॉरी, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, ये जो हमने बोर्ड को अभी स्विच में लगा रहे थे ना, तो इस बोर्ड में दो सॉकेट है। अब कंफ्यूजन ये हो गया कि यहां पर तो लिखा हुआ है कि सीरीज सॉकेट ये है और ये वाली सॉकेट डायरेक्ट सप्लाई वाली है, तो न्यूट्रल फेस वाली है। अब ऐसे में क्या होगा, शॉर्ट कर जाएगा ना, एमसीबी भी तो ट्रिप कर सकती है ना, लेकिन ये सिरेमिक डिस्क है, तुरंत शॉर्ट हो गई, इसलिए दोनों पॉइंटों को अलग कर दिया, इसलिए इसमें से धुआं निकल रहा था, मतलब हमने तो न्यूट्रल फेस दे दिया, गलती किया ना। आपको ये गलती नहीं करना, आपको कहां लगाना है, सीरीज में। अब हम फिर से इसको लगाते हैं। देखिए ये ऊपर वाली सॉकेट हमारी सीरीज की है, सीरीज में हमने लगाया, सप्लाई को ऑन किया, बल्ब जल रहा है, देखिए तुरंत बंद हुआ है ना। अब क्या होगा, अब जलने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा दोबारा, अब देखिए दोबारा हम चालू करें तो नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है, अगर फ्रिज का कंप्रेसर मोटर आप रिले एलपी लगा करके फ्रिज को एक बार चालू कर दिए और तुरंत बंद करके फिर से चालू कर दिए ना, तो तुरंत दोबारा चालू नहीं होती, 5 से 10 मिनट तक लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिरेमिक डिस्क गर्म हो चुकी थी, अब इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, जब टाइम लगेगा तभी तो ये सप्लाई को कट करेगी। एक चीज और जल्दी से आइए, नजदीक से दिखाते हैं आपको। देखिए इसका जो पॉइंटर है ना, ये जो बैटरी है इस टाइम देखिए अभी भी हीट है, हम इसको निकाल देते हैं, आप फटाक से इसको हम निकाल देते हैं, ये बैटरी अभी भी हीट है, गर्म है। ये क्या करेगी, कंटिन्यूटी इसका हम चेक करवा के दिखाते हैं। अभी ये बैटरी गर्म है तो इस बैटरी को हम पूरा बाहर निकालिए। अब देखिए ये मल्टीमीटर है, इसमें नंबर देखना और ये बैटरी को देखना, बैटरी जैसे जैसे ठंडा होगी ये पॉइंट वैसे वैसे बदलता जाएगा। देखिए अभी कंटिन्यूटी आ रही है तो मल्टीमीटर में नंबर कितना आ रहा है, 32 है ना, देखिए 32 आ रहा है, 31 हो गया ना,
31 हो गया ना, अभी और देखिए, ये देखिए अभी 31 हुआ, इसको हम ठंडा करते हैं थोड़ा सा, देखिए 29 हो गया ना, 29 हो गया। ये नंबर धीरे धीरे घटता जाएगा, इससे हमें ये पता चलेगा ये धीरे धीरे डायरेक्ट कर देगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं सीरीज लगा करके। सीरीज के दोनों तारों को अगर दोनों पॉइंटों पर रखें तो बल्ब थोड़ी ही देर जल करके बंद हो जाना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए ये सही है। तो इस तरह से देखिए ये पॉइंट आया। अच्छा, अगर हम दूसरा वाला जिसमें ये सिरेमिक डिस्क एक और लगी है, एक बार इसको फिर से चेक करवा के आपको दिखाते हैं, जो चेक नहीं हो पाया था इसमें से धुआं निकल रहा था क्योंकि इसको हमने डायरेक्ट सप्लाई में लगा दिया था, ये गलती हुई थी, आपको ऐसी गलती नहीं करना है। एक बार फिर से देखिए, ये हमारा सिरेमिक डिस्क वाला पॉइंट है, ये सीरीज का तार है, सीरीज वाले सॉकेट में हम इसको लगाते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। ये बल्ब भी दिखाना, देखिए ये बल्ब जलेगा, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे बल्ब जलेगा लेकिन थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। तो बल्ब जलने का मतलब ये हुआ कि रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारेगा, देखिए बल्ब जल रहा है ना, और थोड़ी देर में इस बल्ब को ऑफ होना चाहिए। अगर ये बल्ब ऑफ नहीं हो रहा है तब भी समझिए इसमें खराबी है, यानी ये जो पॉइंट है ये तो डायरेक्ट हो गया, इसका जो सिरेमिक डिस्क है जो पॉइंटर है वो तो काम नहीं कर रहा यार, ये तो कट ही नहीं कर रहा है, हो गया ना। देखिए इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, देखिए रिले और रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने रखा है और ये बल्ब लगातार जल रहा है, सिरेमिक कम हुआ, देखिए ये बंद हो गया है ना, मतलब थोड़ा सा टाइम लिया इसने। अब देखिए ये तो हमने खाली 100 वाट का बल्ब जला रहे हैं ना, जब आप फ्रिज बनाएंगे तो ये कंप्रेसर मोटर चलेगा और मोटर चलता है ज्यादा पावर लेता है, ये जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी तरीके से ये सप्लाई को कट कर देगा। मतलब समझ गए होंगे रिले का काम मेन पॉइंट यही है, ये रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मार के स्टार्ट करता है। जो ओपन टाइप रिले होता है इसके अंदर प्लंजर नाम की पत्ती लगी होती है जो शॉट मारने का काम करती है, लेकिन जो पीटीसी रिले होता है इसके अंदर सिरेमिक डिस्क लगी होती है जो हीट होने पर सप्लाई को कट कर देती है और नॉर्मल होने पर सप्लाई को आउट करने लगती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि मान लीजिए शुरू में हीट हो जाता है, कंप्रेसर चालू हो जाता है, थोड़ी देर बाद फिर तो ये नॉर्मल होता होगा ना, तो ऐसी बात नहीं है, कंप्रेसर जब तक चलता रहेगा तब तक ये हीट ही रहता है, जब कंप्रेसर बंद करेंगे तब ठंडा होना शुरू होता है। इसलिए कभी फ्रिज को हम तुरंत बंद करके तुरंत दोबारा चालू करेंगे तो फ्रिज हमारी चालू नहीं होती है, ये हमारा होता है तरीका। अच्छा, यहां पर हमने चेक किया रिले को, रिले को आपने समझ गया कि रनिंग से स्टार्टिंग में बस शॉट मारने का काम करती है, जो सबसे पहले हमने डायरेक्ट शॉट मार के स्टार्ट किया ये रिले लगा दिया ये काम कर गया। अब बात करते हैं कि जो फ्रिज होती है जब वो काम करती है, जब वो ठंडा करती है तो आखिर आवश्यकता से ज्यादा ठंडा होने पे, मतलब उसके एवापोरेटर के अंदर अगर बर्फ जम जाती है तो कूलिंग कंट्रोल कैसे होती है, तो उसके लिए एक स्विच होती है। देखिए ये वाली जो स्विच है ना, इस स्विच का नाम होता है थर्मोस्टेट स्विच, यह स्विच एक स्विच का नाम है, इसका नाम होता है थर्मोस्टेट स्विच। देखिए जो हमें दिखाई देता है वो भाग तो सिर्फ इतना दिखाई देता है ना, ऐसे ये समझिए सिर्फ इतना दिखाई देता है जिसको हम घुमा करके इसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये क्या है, यह थर्मोस्टेट स्विच है जो कूलिंग को कंट्रोल करती है। इसमें एक पूंछ लगी होती है, देख रहे हैं ये पतली सी पाइप जैसी दिख रही है ना, ये क्या होता है, ये थर्मोस्टेट की पूंछ होती है। देखिए इसका लास्ट पॉइंट ब्लॉक है, बंद है, मतलब इस पाइप के अंदर एक गैस होती है जिस गैस का नाम होता है SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। इस पाइप के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, उस गैस की क्वालिटी होती है कि जब फ्रिज, या उस गैस की क्वालिटी ये होती है, वह गैस हल्का सा ठंडक पाके ना बहुत अधिक ठंडी हो जाती है और थोड़ी सी गर्मी पाते ही तुरंत गर्म आ जाती है, मतलब समझ रहे ना, थोड़ा सा ठंडा पाएगी तो जल्दी से ज्यादा ठंडा हो जाएगी, थोड़ी सी गर्मी पाके जल्दी गर्म हो जाती है। ये थर्मोस्टेट की पूंछ कहां लगा होता है जानते हैं आप, जो फ्रिज के अंदर एवापोरेटर होता है, कूलिंग कॉइल होता है ना, ये पूंछ उसमें खाली टच होती है, मतलब खाली सटी होती है, और जब सटी रहेगी तो ये सेंस करके इसके अंदर तक आती है और इसके अंदर लगी होती है बेलोज व डायफ्राम नाम की पत्ती। जब ये ठंडा होता है वो पत्तियां इसमें सिकुड़ने लगती है और जब सिकुड़ती है तो ये सप्लाई को कट कर देती है। इसमें भी देखिए ये भी एक स्विच ही तो है, तो इसमें तार जोड़ने के लिए देखेंगे दो पॉइंट बने हुए हैं, इसको भी हम सीरीज से ही चेक करके दिखाते हैं आपको। देखिए इसके अंदर दो पॉइंट बने हुए हैं और यह भी एक स्विच है, जैसे सभी स्विचें होती है ना वैसे ये भी स्विच है, जैसे देखिए जैसे ये बोर्ड की स्विच है ना तो वैसे ये भी एक स्विच है, डिफरेंट इस बात का, इसको भी ऑन ऑफ भी किया जा सकता है, इस तरह से ऑन ऑफ भी किया जा सकता है। और ये स्विच अगर ऑन के पोजीशन पे है और ये थर्मोस्टेट की पूंछ एवापोरेटर में टच है तो ये ठंडा होगा, क्योंकि एवापोरेटर ठंडा होगा तो पूंछ ठंडी होगी, और पूंछ ठंडी होगी इसके अंदर गैस ठंडी होगी, और जब गैस ठंडी होगी तो स्प्रिंग सिकुड़ेगी, और जब सिकुड़ेगी तो सप्लाई कट होगी, और सप्लाई कट होगी ये कंप्रेसर के साथ वायरिंग में रहता है और ये कंप्रेसर मोटर बंद हो जाएगा, और जब प्रेशर बंद हो जाएगा तो गैस का संचार रुक जाएगा, मतलब फ्रिज ठंडा नहीं करेगी, मतलब फ्रिज बंद हो जाएगी। अब देखिए इसका जो दोनों पॉइंट है,
थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंट पे हमने इसको लगा रखा है, यानी इसके दोनों पॉइंटों पे ये हमने लगा रखा है, ये सीरीज का दो वायर। थर्मोस्टेट को हमने ऑफ कर दिया, अभी बंद कर दिया, और सीरीज में इसको हम लगाते हैं, सॉरी सीरीज देखिए यहां, फिर अगर गलती यहां होगी तो शॉर्ट कर जाता है ना, सीरीज में यहां पर लगाते हैं और स्विच को ऑन कर देते हैं। बल्ब नहीं जल रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा थर्मोस्टेट है ये ऑफ के पोजिशन पे है। अब देखिए थर्मोस्टेट को हम ऑन करते हैं, दोनों दिखाइएगा, थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे तो ये बल्ब भी जलेगा। देखिए जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे बल्ब जल गया, ऑफ करेंगे बंद हो गया। इससे ये पता चल रहा है ये थर्मोस्टेट सही है, कंटिन्यूटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, इतना ही तो पता चल रहा है ना। लेकिन क्या इसको अगर हम ऑन कर दें तो अगर आवश्यकता से ज्यादा कूलिंग होगी तो कट करेगा? अगर ये चेक करना चाहते हैं तो क्या करना होगा जानते हैं? बर्फ का टुकड़ा लेना होगा किसी बाल्टी में, किसी गिलास में कहीं पे, और ये जो इतना पॉइंट है जो इवेपोरेटर से टच करवाने की बात हमने कहा ना, इसको बर्फ के टुकड़ों में डालिए, मतलब इसको ठंडा करवाइए। जब ये ठंडा होगा तो इसके अंदर गैस ठंडी होगी, गैस ठंडी होगी तो स्प्रिंग ठंडी होगी और वो सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी तो सप्लाई को कट कर देगी। देखिए किसी से इन किसी से आउट करवाया जा सकता है, जैसे सभी स्विचें होती हैं वैसे ही थर्मोस्टेट स्विच भी एक प्रकार की स्विच होती है जिसका कार्य होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। तो ये पाइप लगी होती है जो सेंस करके, यानी ऑपरेटर को सेंस करके लाती है और इसको बताती है अरे उधर तो ज्यादा ठंडा हो गया, जब उधर ज्यादा ठंडा होगा तो यहां स्प्रिंग रहेगी, वो सिकुड़ने लगेगा, जब सिकुड़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई कट कर देगी। यह एक नॉर्मल स्विच है समझिए, और इसका कार्य बस यही है कूलिंग को कंट्रोल करना। यानी फ्रिज के अंदर ऐसा तो नहीं ना आपने सोचा कि नहीं हमको फ्रिज को बहुत ज्यादा ठंडा करवाना है, ज्यादा नहीं ना ठंडा करवाना है, क्या चाहते हैं उसके अंदर अगर आप दाल रख दें और दाल को जमा के बिल्कुल बर्फ बना दें फिर हथौड़ी से फोड़ के खाना पड़े, ऐसी बात तो नहीं ना। कूलिंग जो हमें करवाना होता है वो नॉर्मल कूलिंग करवाना होता है, बहुत अधिक कूलिंग नहीं करवाना होता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, और ये थर्मोस्टेट एक प्रकार की स्विच है, क्लियर हो गया। इसमें दो पॉइंट होते हैं, किसी से इन किसी से आउट करवाया जा सकता है, दाहिने और बाएं का कोई बात नहीं है। चेक करने के लिए सीरीज का या मल्टीमीटर का दोनों पॉइंटों पे तारों को रखेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, कंटिन्यूटी बताएगा। एक बार दिखाते हैं आपको, जो कंटिन्यूटी टेस्टर हमारा है उससे भी चेक करके दिखाते हैं डायरेक्ट। देखिए ये दोनों पॉइंटों पे हमने रखा, और देखिए ये अभी बंद नहीं बता रहा है, स्विच को ऑन कर देते हैं और ऑन करने के बाद ये दोनों पॉइंटों पे बताएगा। अगर बता रहा है तो समझ जाइए ये सही है, यानी ये स्विच ऑन हो चुकी है। तो इस प्रकार से इसको हम चेक कर सकते हैं। ये भाग हो गया हमारा थर्मोस्टेट स्विच। अब बात करते हैं कि फ्रिज के अंदर और क्या होता है, और होता है अभी एक बल्ब है, एक ओएलपी भी है। बल्ब क्या होता है समझिए, बल्ब क्या होता है और डोर स्विच भी इसके अंदर है ना। फ्रिज के अंदर बल्ब भी प्रयोग किया जाता है। देखिए इस तरह का एक बल्ब है, अगर फ्रिज के अंदर बल्ब लगाना जरूरी है ना, ऐसा तो नहीं समझ रहे कि हर बार मोबाइल का लाइट जला के ही सामान को निकाल लेंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते ना, फ्रिज के अंदर बल्ब होना जरूरी है, नहीं तो पता चला कुछ और निकालने जा रहे थे और हाथ किसी और में डाल दिया है ना, पता चला कोई सूखा रसगुल्ला रखे हैं और हाथ डाल दिया दाल के अंदर, दही के अंदर, दूध के अंदर, है ना। तो ये बल्ब लगाना भी जरूरी है। अच्छा फ्रिज में जो प्रयोग होने वाला बल्ब है, यहां पर देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, देखिए ये क्या लिखा हुआ, वाट, 1 वाट का है, 1 वाट का ये बल्ब है और बोल्ट 250 वोल्ट से ये चलने वाला बल्ब है ना, 1 वाट का बल्ब है। देखिए ये जो वाट है ना, ये अब एलईडी बल्ब प्रयोग किया जा रहा है, नहीं तो ये 5 से 15 वाट का बल्ब प्रयोग किया जाता था। इस तरह का दिखाते हैं आपको, देखिए वैसे ये भी तो हमारा एलईडी ही बल्ब है। फ्रिज के अंदर जो बल्ब लगते हैं ना, देखिए इस तरह के भी हो सकते हैं जिसमें से डायरेक्ट दोनों तार निकले हो, और इस तरह का भी हो सकता है जो चूड़ीदार हो, जैसे गाड़ी का हेडलाइट वाला बल्ब है ना, देखिए नजदीक से, ये इस तरह का भी बल्ब हो सकता है जो चूड़ियों पर लगा के होल्डर में टाइट किया जाता है। अगर ऐसा बल्ब है तो होल्डर का भी लफड़ा होता है, लेकिन अगर इस तरह का बल्ब है ना तो होल्डर की बात नहीं, ये वहां पर प्लास्टिक में ऐसी बनावट होती है, जब हम फिटिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे, वहां पर बनावट होती है में ये लग जाता है। अब अगर इस बल्ब को चेक करना है ये सही है कि नहीं सही है, तो नॉर्मल है, 2 तार है ना, डायरेक्ट सीरीज में नहीं, डायरेक्ट में लगा रहे। देखिए सीरीज में लगा के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, सीरीज में चलो लगा देते हैं। सीरीज में हमने इसको लगाया और ये बल्ब जल रहा है ना, अब इसको हम डायरेक्ट भी लगा देते हैं। देखिए ये डायरेक्ट वाले में भी ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब अगर जल रहा है तो बस ये सही है, और बल्ब अगर नहीं जल रहा है तो बस ये खराब है। तो इस बल्ब को डायरेक्ट चेक किया जा सकता है, मतलब डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस की सप्लाई दीजिए और बल्ब जलना चाहिए। और अगर इस तरह का बल्ब है तो कैसे चेक करेंगे, देखिए इस तरह का बल्ब है तो सीरीज में इसको हम लगा लिए हैं, सीरीज में दोनों पॉइंटों को टच करवा के देख लेते हैं। देखिए सप्लाई चालू है, तो एक पॉइंट को यहां पर साइड में ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है ये, और एक थे इधर पीछे के साइड में रखना होगा, ये बल्ब जलना चाहिए। अगर बल्ब जल रहा होगा तो सही है, नहीं जला तो खराब। देखिए ये बल्ब, देखिए नजदीक से दिखाई, बहुत कम जल रहा है ना, देखिए ये कम जल रहा है ना, अगर ये कम जल रहा है तो भी हम इसको बदल देंगे, क्योंकि ये इतने जलने से उजाला नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हमें इसको बदलना ही पड़ जाएगा। तो इस तरह की अगर बल्ब में खराबी है तो देख लीजिए, बल्ब को डायरेक्ट न्यूट्रल फेस की सप्लाई से चेक कर सकते हैं, अगर वो बल्ब जल रहा है तो सही है और नहीं जल रहा है तो खराब है। अब देखिए अगले पार्ट की बात करें, तो इस बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए
उसके अंदर एक स्विच लगी होती है जिस स्विच का नाम होता है डोर स्विच। मतलब फ्रिज का दरवाजा जैसे ही खोलते हैं उसके अंदर बल्ब जल जाता है और दरवाजा बंद करते ही उसके अंदर का बल्ब भी बंद हो जाता है। होता है ना क्वालिटी कि दरवाजा खोले तो बल्ब जल गया, दरवाजा बंद किए तो बल्ब भी बंद हो गया। मतलब ऐसा तो नहीं है दरवाजा खोलने के बाद कोई बटन टिपनी पड़ती है बल्ब जलाने के लिए, ऐसा नहीं है ना। वो काम करता है ये स्विच होती है जिसका नाम है डोर स्विच। देखिए और भी कंपनी की फ्रिजों में ना ये डोर स्विच की बनावट अलग अलग तरीके की हो सकती है, लेकिन बनावट चाहे जैसी भी हो काम उसका यही रहेगा, पिने तार जोड़ने के लिए ऐसी ही होंगी। इसके अंदर ये दो पॉइंट तार जोड़ने के लिए है ना। ये जो स्विच है इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये हर समय एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में टच है। जैसे अगर इस समय कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सप्लाई जा रही है, लेकिन जब इसको दबाएंगे तो ये सप्लाई दोनों में से हट जाएगी, मतलब ये अलग हो जाएगा। अब सोचिए जो नॉर्मल सभी स्विचें होती हैं ये उन स्विचों से अलग होता है कैसे, जैसे गाड़ी का हॉर्न वाला पॉइंट होता है ना, जब हम गाड़ी का हॉर्न दबाते हैं तो उसके अंदर दो पॉइंट होते हैं, दोनों आपस में टच होते हैं तो हॉर्न बजता है। लेकिन ये क्या है, ये तो हर समय टच है, सिर्फ जब दबाएंगे तो बंद होगा। अगर इस स्विच को गाड़ी के हॉर्न की जगह लगा दें तो क्या होगा जानते हैं, हर समय हॉर्न बजेगा, केवल बंद तब होगा जब इसको दबाएंगे। हो गया ना उल्टा, मतलब उसमें क्या है जब दबाते हैं तो टच होता है, लेकिन इसमें क्या है जब दबाते हैं तो हटता है, बाकी टाइम में ये टच रहता है। चेक करना इसको है ये सही है कि नहीं, तो सीरीज के जरिए भी कर सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्टर के जरिए भी कर सकते हैं, या फिर अपने मल्टीमीटर के जरिए भी कर सकते हैं। यहां पर हम सीरीज के द्वारा मान लीजिए करने जा रहे हैं। इसका पॉइंट थोड़ा सा ढीला है, देखिए ये बार-बार निकल जा रहा है। चलिए इसको हम निकलने देते हैं, इसको पकड़ लेंगे इस तरह से, देखिएगा इस तरह से हमने पकड़ा हुआ है, दोनों पॉइंट में इसको लगा दिया, ये दो पॉइंट है ना, ये भी तो एक स्विच है, जैसे थर्मोस्टेट एक स्विच है ये भी स्विच है। थर्मोस्टेट कूलिंग ज्यादा होने पर ये थर्मोस्टेट की पूंछ लगी हुई थी जो कट कर रही थी, इसमें क्या है जब ये पिन दबेगी तब ये पॉइंट को कट करेगा। देखिए इस तरह से करके हमने पकड़ लिया और लगा देते हैं इसको हम सीरीज में लगाया। देखिए हमारा बल्ब चालू हो गया ना, ये स्विच ऑन है इसलिए बल्ब चालू हो गया। हम क्या करेंगे, इसके नोब को दबाएंगे, बल्ब बंद हो गया, जैसे ही नोब को खोले बल्ब चालू हो गया। मतलब ये हुआ कि जब हमारी का दरवाजा बंद है तो बल्ब बंद है, और जैसे ही दरवाजा खोले बल्ब चालू हो गया। फ्रिज का दरवाजा बंद मतलब क्या होगा, बल्ब बंद और दरवाजा खुलते ही हमारा बल्ब चालू, मतलब दरवाजा बंद का मतलब समझ रहे ना, ये गेट के पास ही लगी रहती है, जैसे ही गेट बंद करते हैं तो गेट जाके इसको दबा लेता है और ये दबी रहती है, तब तक दबी रहेगी जब तक गेट नहीं खोलेंगे, जैसे ही गेट खोलेंगे तुरंत ये सप्लाई आउट हो जाएगी और बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। मतलब ये स्विच को अगर चेक करना है, डोर स्विच को चेक करना है, तो बस सीरीज दोनों पॉइंटों को दोनों पे रखिए, ऑन ऑफ करके देखिए, ऑन ऑफ होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये डोर स्विच को भी हम सही मानेंगे। अब अगला पार्ट हमारा आता है ओएलपी, यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर। देखिए ये भी ओएलपी है और ये भी एक ओएलपी है, इन दो तरीकों से भी ओएलपी हो सकती है। अब देखिए अगर ओएलपी का काम क्या होता है, जैसे कोई मोटर होता है ना, तो किसी भी मोटर में उसमें ऑटो कट का नाम सुने होंगे कि उसमें ऑटो कट लगा होता है। ऑटो कट का क्या मतलब होता है, अगर ये कंप्रेसर मोटर है ये चलते चलते आवश्यकता से ज्यादा गर्म होगा तो ये ओएलपी उसको कट कर देगी। ओएलपी मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर, मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर मतलब आवश्यकता से अधिक लोड पड़ने पर, आवश्यकता से ज्यादा वोल्टेज आने पर, या फिर आवश्यकता से ज्यादा इस मोटर के गर्म होने पर, दोनों अवस्थाओं में ओएलपी सप्लाई को कट करेगी। अब समझिए इसको अगर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, यहां पर दिखाते हैं, ये सीरीज का दो पॉइंट है, एक पॉइंट को एक पर रखिए। देखिए हम कंटिन्यूटी से इसको दिखा देते हैं आसानी से, कहां गया कंटिन्यूटी टेस्टर, देखिए ये है। कंटिन्यूटी से अगर हम चेक करें या मल्टीमीटर्स करें तो दोनों पॉइंटों पे रखेंगे तो लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आउट होनी चाहिए। अगर आउट हो रही है तो समझिए कि ये सही है, और आउट नहीं हो रही है तो समझिए कि ये खराब। देखिए इसमें आउट नहीं हो रही है, मतलब ये सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा, देखिए डायरेक्ट जल रहा है, यहां से नहीं जल रहा है। इसको हटाते हैं, दूसरी ओएलपी देखिए इसी के बगल में हम रखते हैं और इसको चेक करते हैं। देखिए ये कंटिन्यूटी आ रही है, देख सकते हैं आपके सामने दोनों ओएलपी, एक खराब भी है एक सही भी है। क्या ओएलपी को देख के बता सकते हैं कि ये खराब है या सही है, ऐसी बात नहीं है ना। यहां पर देखिए ये कंटिन्यूटी आ रही है और इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो जिसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है इसका ये मतलब हुआ कि ये ओएलपी खराब है, और जिसमें आ रही है इसका ये मतलब हुआ कि ये सही है। अब बात ये है कि सही तो है, ये हीटिंग को कंट्रोल करेगी कि नहीं करेगी वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए कोई ओएलपी यहां पर खुली हुई दिख रही थी, ओएलपी के अंदर क्या लगा होता है, देखिए यहां पर ये है ओएलपी। ओएलपी के अंदर क्या होता है, जैसे रिले के अंदर सेल लगा होता है ना, ये जो रिले के अंदर हमारा सिरेमिक डिस्क लगा होता है ना, वैसे ही ओएलपी के अंदर भी देखिए यहां पे सेल लगा होता है। जब ये ओएलपी हीट होती है यही वाली पत्ती इसमें सप्लाई को कट करती है, देखिए ऐसे चिट चिट आवाज आ रही है,
सुन पा रहे होंगे, तो यही वाला पॉइंट है जो हीट होने पे सप्लाई को कट करता है, यानी यह ओएलपी क्या करती है, हीटिंग होने पे सप्लाई को कट करती है। हम आपको दिखाते हैं इसको हीट करवा करके। यहां पर हम एक मोमबत्ती भी रखे हुए हैं और इस मोमबत्ती के द्वारा आपको दिखाते हैं कि अगर ये हीट होने पे सप्लाई को कट कैसे करते हैं। यहां पर एक जादू दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे यहां पर मोमबत्ती को हम जला लेते हैं, सबसे पहले ये मोमबत्ती से हम ओएलपी को हीट करेंगे, मतलब कंप्रेसर के गर्म होने का इंतजार हम कहां कर रहे हैं, तो यहां पर हम मोमबत्ती एक जला लिए और सबसे पहले हमें क्या करना, अगर देखिए ये भी एक ओएलपी है और इसमें भी तार जोड़ने के लिए ये दो पॉइंट है, तो अगर इस सीरीज के दोनों तारों को, एक को हम एक पे लगा लेते हैं और दूसरे को हम दूसरे पे लगा लेते हैं। यहां पर देखिए दो थे, दोनों पे हमने एक एक को लगा लिया और इसको हम लगा देते हैं अपने सीरीज वाले सॉकेट में। यहां पर ये सीरीज का सॉकेट है, हमारा सीरीज का बल्ब जल गया, मतलब कंटिन्यूटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक दे रहा है। हमारा कहना ये है कि अगर इस ओएलपी को हम लोग गर्म करेंगे तो ये बल्ब बंद हो जाएगा और जब इसको ठंडा करेंगे तो फिर से ये बल्ब जलने लगेगा। देखिए ओएलपी को हम गर्म कर रहे हैं, यहां पर बिल्कुल डायरेक्ट अंदर से हम गर्म कर रहे हैं और थोड़ी देर में देखिए बल्ब हमारा बंद हो गया और अब ये बाहर रखेंगे और थोड़ी देर में इसको हम फूकेंगे और ये ठंडा होगा और देखिए ठंडा हुआ और ये बल्ब चालू हो गया, मतलब समझ गए, यानी अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये बल्ब हमारा बंद हो जाता है, मतलब अगर ये गर्म होगा ये कंप्रेसर बंद हो जाएगा और जैसे ही ये नॉर्मल होगा फिर से कंप्रेसर चालू हो जाएगा। मतलब फ्रिज हमारी ऐसे सिस्टम से बनाया गया ना, उसको हम 24 घंटे लगातार चला सकते हैं, उसमें देखभाल की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर बल्ब उसके अंदर बर्फ अगर जमेगा, ज्यादा ठंडा होगा तो हमारी ये थर्मोस्टेट स्विच करेगी और अगर कम ठंडा ये प्रेशर मोटर अगर गर्म होगा लगेगा कि जल जाएगा, वोल्टेज वगैरह ज्यादा आ जाएगा, तो ये हमारे ओएलपी यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर सप्लाई को प्रोटेक्ट करेगी, यानी कंप्रेसर को जलने से बचाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हमारी ओएलपी काम करती। देखिए देखिए फूंकने से जल गया ना बल्ब, है ना जादू, तो इस तरह से ये काम करता है, ये हमारा होता है ओएलपी। अब समझिए कि आपको लगता होगा कि अगर इस ओएलपी को हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक करना पड़ेगा, यही वाली जो बॉडी है ना इसको गर्म करना पड़ेगा, बॉडी पिघलने का भी डर है। देखिए एक चीज और आपको बता दे, ये वाली ओएलपी थोड़ी ज्यादा गर्म करने के बाद कट करेगी और ये वाली ओएलपी थोड़ी कम गर्म करने पे कट कर देती। कारण क्या होता है, जब ये गोल वाली ओएलपी जहां कहीं भी लगती है ना, तो जहां भी लगती है ये कंप्रेसर के डायरेक्ट कॉमन ओमन में नहीं, थोड़ा सा दूर लगती है, लेकिन अगर ये वाली ओएलपी कहीं लगती है तो सीधा ये जो कंप्रेसर मोटर होता है, जो इसकी तीनों पिने हैं कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग की, ये वाला जो छिद्र इसके अंदर है ना, ये सीधे कॉमन पे लग जाता है। देखेंगे यहां पे ये कॉमन है, ये सीधा ऊपर वाले पॉइंट पे कामन पे लग जाता है। अब देखिए कामन पे लग गया तो नीचे की जो रनिंग और स्टार्टिंग की पिने हैं वो दोनों खाली दिखाई दे रही है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिले लगा लेंगे। देखिए ये रिले के अंदर जो पिने होती है उसका भी हम मतलब आपको बता देते हैं अभी, कि इसके अंदर ये जो रिले होता है ना, इसके अंदर दो या तीन या चार पिने क्यों होती है, उसका कनेक्शन कहां किया जाता है, तो समझ लीजिए कि जिस रिले में एक ही पिन है उसके साथ कैपेसिटर नहीं लगेगा। कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए कैपेसिटर का भी प्रयोग किया जाता है, अभी आपको समझाते हैं। पहले एक बार इसको हम चला देते हैं। देखिए इसका ये जो दोनों सुराख है ना, ये रिले वाला जो दोनों पॉइंट है, इसको हम यहां पे लगा देते हैं और इसको हम डायरेक्ट यहां पे लगा देते हैं। अब देखिए जो हमारी मेन लीड है, एक बार मेन लीड को लगाते हैं, ये राइट साइड में हमेशा खोसना है, ध्यान दीजिएगा, जब भी इसका हम वायरिंग करेंगे इस रिले के राइट साइड में खोसेंगे फेस को और ऊपर जो हमारा ओएलपी उसमें खोसेंगे न्यूट्रल को, और ये शॉर्ट मारने का काम अपने से करेगा और कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो जाएगा। देखिए अभी लाइट कट गई है, इसके अंदर सप्लाई नहीं आ रही है, बस इसको अगर हम इसमें लगाएं तो ये क्या होगा, कंप्रेसर मोटर हमारा तुरंत चालू हो जाएगा, तो इस तरह से काम करेगा। अच्छा ये ओएलपी और रिले तो हमने लगा लिया, कुछ फ्रिजों के अंदर कैपेसिटर का प्रयोग भी किया जाता है। ये कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का प्रयोग जिस फ्रिज में पहले से है उसी में आपको करना है। अगर इसका प्रयोग करना पड़े तो इसके तारों को हम कहां जोड़ेंगे, तो जोड़ना कहां है, आप पंखा में कहां जोड़ते हैं, पंखा आप जानते हैं ना, मोटर बाइंडिंग, सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, पंखा में कहां जोड़ते हैं, एक तार को रनिंग में, एक को स्टार्टिंग में, ठीक उसी तरह से यह भी रनिंग और स्टार्टिंग में जाएगा। और रनिंग और स्टार्टिंग में जाने के लिए क्या करना होगा, जो रिले के अंदर अलग अलग पिने हैं ना, जैसे ये चार पिन है, नजदीक से दिखाइए, जैसे ये चार पिन है तो एक तरफ इसमें रनिंग है, एक तरफ स्टार्टिंग है, बाएं साइड में रनिंग है, दाहिने साइड में स्टार्टिंग है, तो क्या करेंगे, एक को एक तरफ लगाएंगे, दूसरे को दूसरे तरफ लगाएंगे, और जो फेस की सप्लाई देनी है वो इधर दे देंगे और बस इसको लगा देंगे और कंप्रेसर मोटर हमारा कैपेसिटर के साथ चालू हो जाएगा। इसके अंदर ये जो पिने बनी है ना, ये इसीलिए बनी है, पिनों को आप इस तरह से लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं, मतलब समझ गए, ऐसे कोने से कोने भी लगा सकते हैं या फिर इधर दाहिने से बाएं ही लगाना है,
ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर के दोनों तारों को किसी एक तरफ नहीं लगाना, जैसे दोनों एक के तरफ लगा दे या दोनों दो तरफ लगा दे, ऐसा नहीं करना। जब भी लगाना है एक दाहिने और एक बाएं साइड में लगाना है। तो इस तरह से ये हमारा कैपेसिटर भी काम करता है, कुछ में कैपेसिटर का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये रहे हमारे फ्रिज के संपूर्ण इलेक्ट्रिक भाग, टोटल कंप्लीट कोर्स हम लोग फ्री में करवा रहे हैं। लाइव जाकर के देखिएगा, लाइव डेली शाम को 7 बजे फ्रिज का कोर्स लाइव चल रहा है। अगर आपने फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे का नहीं देखा है अभी तक, तो उसको जल्दी ही देखिए। जब तक ये लाइव कोर्स चल रहा है तब तक वो वीडियो यूट्यूब पे पब्लिक है। जिस दिन लाइव कोर्स खत्म हो जाएगा सभी वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, एक हफ्ते के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप टोटल वीडियो को देखिए, कंप्लीट कोर्स सीखिए और थ्योरी करिए, बनाइए नोट्स, बनाइए टोटल एक एक पार्टों को। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आई हो, कहीं डाउट बचाओ तो कमेंट करके बताइए। अगर रिविजन करना चाहते हैं इस वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।